भाई ये एप्पल एयरपोर्ट प्रो 25,000 रुपए के आसपास में मिलता है, और ये है LG का टोन, ये लगभग दाम है 30,000 रुपया। ये दोनों प्योर ANC एक्टिव नॉइस कैंसलिंग पर ये बेस्ट होता है। ये एप्पल का एयरपोर्ट मैक्स, इसकी प्राइस लगभग 46-47,000 रुपए आती है, और ये सस्ता सा ANC वाले नेक बैंड है 1500-1600 रुपए का। भाई मैंने आपको ANC वाले डिवाइस इसलिए दिखाए हैं कि अगर आप भी ANC डिवाइस आपके पास है या फिर ANC वाले कोई भी डिवाइस, एयरपोर्ट हो, हेडफोन हो, नेकबैंड हो, आप खरीदने वाले हो, तो जो इस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर आप खरीद लेना। अगर कोई भी डिवाइस ANC यूज करते हैं तो 1 महीने से 2 महीने के अंदर में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने अपने डॉक्टरों से मिला है, और मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आपके ईयर ड्रम्स के ऊपर में इफेक्ट आ गए हैं ANC डिवाइस यूज करने के कारण। भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस लाइट की कसम। अरे यार बंद कैसे हो गया है, तुमने बदमाशी किया भाई क्या? चलो यार ये तो हो गई मजाक वाली बात, लेकिन सीरियसली बात बता रहा हूँ कि अगर आप ANC डिवाइस रोज यूज करते हैं और ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, देखो हेडफोन एक तो सब कुछ चाहिए होता है, जूम पे कॉलिंग मीटिंग्स हो रही है या फिर कोई फेवरेट ट्रैक सुन रहे हो या फिर कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हो, तो हर जगह आपको हेडफोन चाहिए। लेकिन अगर आप ANC वाले डिवाइस यूज करते हो तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका यूज ना करें, या फिर कम से कम ना से ना करें, नहीं तो 1 महीने से 2 महीने के अंदर में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर सिर्फ ईयर ड्रम्स का प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, ये 7 से 8 प्रॉब्लम मुझे बता दिए कि इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम बताया उन्होंने कि हेयर लॉसेस हो सकते हैं। अब ये मत सोचना कि मेरा हेयर इसलिए लॉस हो रहा है, मैं तो बहुत नजदीक टाइम से भी ANC वाले डिवाइस यूज कर रहा हूं, लेकिन हेयर लॉस तो मेरा पहले से भी हो रहा है, तो इग्नोर दिस, बट ये हो सकता है। कानों के अंदर पेन हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, एक ये प्रॉब्लम होगा। ईयर वैक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, अंदर से वैक्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, पेनफुल ये चीज होती है, और भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आप लॉन्ग टाइम तक ईयरफोन यूज करते हैं। ANC का मतलब होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। यह एक नई टेक्नोलॉजी आई है, आजकल सारे हेडफोन्स और नेकबैंड एयरपॉड्स में आने लगी है। इससे क्या होता है कि बाहर के नॉइस जो आपकी आपके कान के अंदर जाएंगे, तो आप म्यूजिक पहले जो सुन रहे हो, बाहर के नॉइस आ जाएंगे, बस के, रिक्शा के, गाड़ी के और हॉर्न वगैरह गाड़ी के, मतलब आवाज शोर वगैरह आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको म्यूजिक सुनने में डिस्टर्ब होगी। तो जो साउंड बाहर से आएगा एंटी निकालता है, मतलब सेम साउंड उसको एंटी करता है, कील करता है, तो बाहर के जो नॉइस है वो कैंसिल हो जाते हैं और आपके कान पे वो साउंड सुनाई नहीं पड़ते। इसलिए आपका जो म्यूजिक सुन रहे तो सिर्फ म्यूजिक समझ में आएगा, गेम खेल रहे हो तो सिर्फ गेम की म्यूजिक समझ में आएगी। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है ANC। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा होता है, आपको एग्जैक्ट जो रियल म्यूजिक है उसका मजा आता है, लेकिन आप सोचो ना, लॉन्ग टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर आपके कान पे इतना बुरा असर पड़ेगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। तो यार ANC डिवाइस को बिल्कुल आज से आप अवॉइड करो, बिल्कुल यूज ना करो। अगर आप जैसे कि मीटिंग कर रहे हो तो उसमें ANC का क्या काम है, नॉर्मल सुनो ना, क्या करना है, ANC को ऑफ करके लो, या फिर गेम खेल रहे हो तो हाँ गेम में तो लोग यार गेम को चाहिए तो थोड़ा देर गेम खेलते हो तो उसमें ANC यूज कर सकते हो, या कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो थोड़ा देर ANC ऑन कर सकते हो, जैसे कि कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई सुन रहे हो तो उसमें ANC का क्या काम है, नॉर्मल बस सुनो, हो गया काम खत्म। तो ANC मोड को कम से कम यूज करो। ANC, उम्मीद करता हूं कि ये ANC के बारे में मैंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग आपके फ्रेंड्स ANC डिवाइस यूज कर रहे हैं या खरीदने वाले हैं वो भी अवेयर हो जाए इसके लिए। ठीक है गाइस, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।